आप इंटरव्यूज देते हैं इतने मीडिया में, सर आपकी जो पॉलिटिकल स्टाइल है, राजनीतिक स्टाइल, वो आइडियोलॉजिकल है और डेवलपमेंटल है। आप ये मीडिया इंटरव्यूज 1 घंटे का भी दे दे, आप 1 घंटे तक आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने शुरू किए हैं और मॉनिटर कर रहे हैं, आप 1 घंटे तक बात कर सकते हैं। आप बोलते हैं कि ये प्रोजेक्ट मेरे बेबीज है, फिर भी सर कुछ आपके क्रिटिक्स हैं जो चीजें बोलते हैं, अलग अलग रूमर्स फैलाते हैं कि देवेंद्र जी का पार्टी पे इतना होल्ड नहीं रहा है, या आपके कास्ट के ऊपर कुछ बोलते हैं, या फिर और कोई रूमर फैला देते हैं कि आप लोकसभा जाएंगे, समथिंग समथिंग, कोई भी कुछ भी, एवरीडे न्यू रूमर। लेकिन फिर भी डिस्पाइट द कंटिन्यूअस रूमर्स, जो महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस हैं उनसे आप मीलों आगे हैं, तो हाउ डू यू, तो आप इतना ठहराव कैसे रखते हैं और हाउ डू यू इग्नोर दीज वॉइसेस? नहीं, देखिए, पहले तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि मुझे कोरी राजनीति आती नहीं है। मैंने कभी जिंदगी में कोरी राजनीति नहीं की, क्योंकि हमारे लिए तो राजनीति ये हमेशा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का एक उपकरण है। हमने हमेशा इस आइडियोलॉजी को माना है कि हम सोशियो इकोनॉमिक चेंज ये पॉलिटिक्स को एज ए एपरेटस यूज करके ला सकते हैं। इसलिए आपने हमेशा देखा होगा, मैं भाषण भी जब करता हूँ तो 80% मेरा भाषण ये डेवलपमेंट के ऊपर, सोशियो इकोनॉमिक चेंज के ऊपर, हम क्या करने वाले हैं, हमने क्या किया इसके ऊपर होता है। 20% मैं राजनीति की बात करता हूँ। और मैं ये भी मानता हूँ कि अगर हमको हमारे देश को, हमारे राज्य को बदलना है तो हमको फोकस ये डेवलपमेंट पर रखना पड़ेगा। राजनीति तो होती रहती है, सवाल जवाब होते हैं, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, वो एक पार्ट है। लेकिन अगर हम गवर्नेंस को छोड़कर केवल एक दूसरे के ऊपर आरोप करने में लग जाए, मतलब मैं कई बार सवाल पूछता हूँ, अपने आप से भी पूछता हूँ कि 25 सालों तक उद्धव जी ने, शिवसेना ने मुंबई पर राज किया, और उसमें से मेजर कालखंड ऐसा है कि जिसमें मुंबई महानगर पालिका स्वयं उद्धव जी देखते थे। तो मैं अपने आप को और उनको भी सवाल पूछना चाहता हूं कि कोई एक प्रोजेक्ट वो दिखा सकते हैं कि जिसमें उन्होंने मुंबई को ट्रांसफॉर्म किया है, ऐसा एक प्रोजेक्ट नहीं कर पाए, एक भी नहीं बता सकेंगे। वो जो बातें कहते हैं वो तो मैं हमेशा कहता हूं कि ये बातों में तो इसके लिए कोई नो ब्रेनर बातें हैं। जो बातें आज मुंबई में उनके कार्यकाल में हुई है, मतलब हमारे प्रमोद जी हमेशा ये कहते थे कि जब लड़का बड़ा होता है, 17 साल का होता है, तो उसको मूछें आती है, उसके लिए माँ बाप ने का कोई उसमें कर्तृत्व नहीं है, वो तो नेचुरली आती है। ऐसा एक नेचुरल डेवलपमेंट को अगर हम छोड़ दें तो मुंबई में उद्धव जी ने कोई ट्रांसफॉर्मेशन किया है, ऐसी एक चीज भी वो नहीं बता सकेंगे। जबकि केवल 5 साल मैं मुख्यमंत्री था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो मैं ऐसी कई चीजें आपको दिखा सकता हूँ। आप देख रहे हैं, ट्रांस हार्बर लिंक आपने देखी है, अभी कोस्टल रोड आपने देखा है, न्यू मुंबई का एयरपोर्ट हो रहा है, मुंबई में जो एसटीपीज है वो आप देख रहे हैं, धारावी का ट्रांसफॉर्मेशन अभी जो होने, ऐसे मैं सैकड़ों चीजें गिना सकता हूं। तो मुझे लगता है कि हमारा फोकस यही है। जिस समय मैं राजनीति में आया तो उस समय एक मंत्र मुझे मिला और वो मंत्र है पेशेंस इज अ वर्च्यू। राजनीति में पेशेंस होना, इससे बड़ा गुण हो ही नहीं सकता। और मैंने प्रधानमंत्री जी से यह सीखा। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि मैं गाली प्रूफ हूं, देखिए 2002 से 2013 तक, चाहे वो मीडिया रहे, चाहे वो अपोजिशन रहे, सुबह से लेकर शाम तक उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गालियां देते थे, और ऐसी ऐसी गालियां दी है, ऐसे ऐसे शब्द उनके लिए इस्तेमाल हुए हैं कि जिसका हम वर्णन भी नहीं कर सकते। लेकिन उनका पेशेंस देखिए कि ये 11 साल पलटकर एक जवाब भी उन्होंने नहीं दिया, एक जवाब भी। और ये सारी चर्चा को उन्होंने अपने डेवलपमेंट के एटीट्यूड से समाप्त कर दिया। उन्होंने मेनस्ट्रीम मीडिया का उपयोग किए बिना पूरे देश में ये इमेज तैयार करके दिखाई कि
कि भारत को जिस नेतृत्व की आवश्यकता है वो नेतृत्व गुजरात के मुख्यमंत्री में दिखता है और उसको भारत में लाना चाहिए, ये उन्होंने करके दिखाया। तो मुझे लगता है कि ये जो पेशेंस उनमें है शायद उतना मुझ में नहीं होगा, लेकिन मैंने भी जीवन में यही सीखा है और इसलिए हमले होते हैं, लोग पत्थर फेंकते हैं, लोग गालियां देते हैं, कई बार ऐसा भी मैंने देखा है कि अपने भी गालियां देते हैं, लेकिन ये सारी चीजें वक्त के साथ समाप्त हो जाती है। इसलिए हम लोगों ने बहुत पेशेंस रखने की आवश्यकता है, वो मैं रखता हूँ। हालांकि अल्टीमेटली कोई हम लोग ऋषि मुनियों की श्रेणी में तो नहीं है, कोई वैराग्य तो हमने लिया नहीं है, कभी कभी यू हैव टू गिव बैक, मतलब हम लोग कभी कभी वापस देना पड़ता है तो दे भी देते हैं, पर ओवरऑल मेरा जो स्वभाव है ये बहुत पेशेंट स्वभाव है। और देखिए एक और मंत्र राजनीति का है, कभी कभी राजनीति में आपको जवाब देना भी पड़ता है, लेकिन जवाब देने का मौका कौन सा है आपको समझना चाहिए। टाइमिंग इज एवरीथिंग। गलत मौके पर जवाब देंगे तो आपका जवाब सुना नहीं जाएगा, जब अपना मौका हो तो जवाब दे दो, दुनिया सुनेगी।